गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का असेसिबल एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज हम भाषाई की गतिविधियाँ को जांचते हैं, कुछ क्वेश्चनों के आंसर निकालते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ चुनिए। भास, भास का अर्थ होता है कहा हुआ, इसे क्लिक करते हैं। अपभास, अपभास माने बुरे शब्द कहना। भाषित, भाषित होता है बोलना या कहना। पर भाषित, भाषण का बोलना या कहना होता है भाषण में, और भाषित का होता है व्याख्या। अब हम इनका उत्तर जांचेंगे, हमें देखेंगे कि हमने कितने सही किए हैं। उत्तर जांचते हैं, सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। रोमन, रेखा द्वारा जोड़िए। ये कुछ रेखाएं दी हुई हैं, भाषाएं हैं। जैसे रोमन एक भाषा है, तो रोमन में, रोमन की कितनी भाषाएं हैं? रोमन में इसमें कुछ तीन भाषाएं दी हुई हैं। सबसे पहले रोमन हमारी अंग्रेजी होती है, फ्रेंच भी होती है और जर्मनी भी होती है। अब आती है फारसी। फारसी का इसमें कुछ नहीं है। देवनागरी का हिंदी होती है, देवनागरी भाषा हिंदी होती है। दूसरी मराठी होती है और तीसरी जो होती है वो हमारी गुजराती होती है। आइए हम इनका उत्तर जांचते हैं। हमारे दो गलत हैं, क्योंकि फ्रेंच और अंग्रेजी गलत हैं, क्योंकि हमने इनका सीरियल वाइज नहीं किया था। अगर हम इनका सीनियर करते हैं तो दोबारा से देखते हैं। आइए सबसे पहले रोमन जो भाषा है वो हमारी फ्रेंच है। दूसरी रोमन जो भाषा है वो अंग्रेजी है। इनके हम उत्तर देखते हैं। फारसी कोई नहीं है। पहली रोमन फ्रेंच हो गई, दूसरी अंग्रेजी हो गई, तीसरी जर्मनी हो गई। फिर इस तरीके से होती है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी बोली, कौन सा भाषा रेखा द्वारा मिलान कीजिए। कौन सी बोली है और कौन सी भाषा है? देखिए, बोली सबसे पहले बोली जो होती है वो सिंधी, दूसरी बोडो, अवधि बोली में लिखा है, भोजपुरी बोली होती है। भाषा और कुमाऊनी भी बोली होती है। उत्तर देख लेते हैं।